मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे। मैं कह अपना मंगल सूत्र जो दे के आए थे उसकी तो रक्षा कर ले। हेमा मालिनी ने जो किया, धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी का जो मंगल सूत्र था उसकी तो रक्षा करा दीजिए। देश में इन दिनों मंगल सूत्र की गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी के चुनावी मंच से बार बार ये सवाल गूंज रहा है कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो माँ बहनों का मंगल सूत्र भी नहीं बचेगा। बांसवाड़ा की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस वालों की नजर माँ बहनों के मंगल सूत्र पर है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे। मैं कहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन आरोपों का जवाब खुद प्रियंका गांधी भी चुनाव मंच से दे चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा, जब दुश्मन देश से जंग हुई थी तो इंदिरा गांधी ने अपना सोना दिया था। मां प्रियंका गांधी का मंगल सूत्र देश पर कुर्बान हुआ है। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मंगलसूत्र वाली इस सियासी लड़ाई में अब गाजीपुर से सपा उम्मीदवार और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी कूद पड़े हैं। अफजाल अंसारी ने मंगलसूत्र वाले मुद्दे पर बीजेपी वालों के सामने कई सवाल उछाल दिए हैं। अपना मंगल सूत्र जो दे के आए थे उसकी तो रक्षा कर ले। हेमा मालिनी ने जो किया, धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी का जो मंगल सूत्र था उसकी तो रक्षा करा दीजिए। किसका बताएं? जो स्मृति ईरानी है, अपनी सहेली के मंगल सूत्र की तो रक्षा नहीं करने गई। जो खुद मंगल सूत्र की कदर नहीं किए लोग, वो दूसरे के मंगल सूत्र का सवाल कहां खड़ा होता है? ये भावनात्मक एक सवाल खड़ा किया गया है। महिलाएं तो सबसे ज्यादा गुस्से में। अभी 2 चरणों का ही चुनाव हुआ है और मामला मंगल सूत्र तक जा पहुंचा है। देखिए 7 चरण पूरे होते होते सियासी बयानबाजियों का ये सिलसिला कहां तक पहुंचता है।